नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस मामले में 3 दिनों तक एक एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है। अदालत ने अजय मिश्रा के साथ एक सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। वहीं फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए एक वकील ने जानकारी दी कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि एक सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए वकील ने जानकारी दी है और अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश भी दिया है। लगातार ज्ञान व्यापी का मामला गर्माता जा रहा है और इसको लेकर लगातार जो अलग अलग संगठन है अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगर बात करी जाए ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले की, तो वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फैसला आज सुना दिया है। ऐसे मामले में 3 दिन तक एक एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। लगातार कोर्ट कमिश्नर की को हटाने की बात कही जा रही थी, मांग करी जा रही थी कि कमिश्नर को हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग इसलिए करी जा रही थी क्योंकि जो वीडियोग्राफी थी और जो तथ्य वहां से लाए जा रहे थे ज्ञानव्यापी से, उसको लेकर विवाद चल रहा था और कहा जा रहा था कि सही से जांच नहीं हो रही है और विरोध किया जा रहा था लगातार वीडियो फोटोग्राफी का, जिसके बाद अब ये मांग उठाई जा रही थी कि कोर्ट कमिश्नर हटाए जाए। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सारे तथ्यों को देखने के बाद ये फैसला लिया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और सहायक कमिश्नर नियुक्त कर दिया है ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। अदालत ने अजय मिश्रा के साथ एक सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया, यानी कि अजय मिश्रा और विशाल सिंह दोनों अब इस मामले में जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, सबसे पहले तो हम इस मामले की शुरुआत पे रुक करना चाहेंगे कि आखिर ये विवाद अब एक बार फिर क्यों शुरू हुआ है और कैसे शुरू हुआ है। देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और पिछले साल अगस्त का वो महीना था जब 5 महिलाओं की तरफ से एक याचिका डाली गई थी शिकायत में। उसमें साफ तौर पर कहा था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद से सटा हुआ जो गौरी माँ का मंदिर है वहाँ पर उन्हें श्रृंगार करना है। पहले ये श्रृंगार साल में एक बार होता था, लेकिन उन महिलाओं की तरफ से जो याचिका पड़ी थी उस याचिका में ये कहा गया कि हम गौरी माँ का जो श्रृंगार है और उनका जो पूजा पाठ है वो रोज करना चाहते हैं। और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया कि पहले तो इसकी जांच हो जानी चाहिए कि आखिर गौरी माँ का मंदिर का जो रास्ता है वो मस्जिद से होकर गुजरता है या नहीं होकर गुजरता है। इसके अलावा इसी मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदू महासभा की तरफ से भी एक याचिका डाली गई थी और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उस मस्जिद में भी कहीं ना कहीं जो हिंदू देवी देवताओं के जो अंश हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और उसी को देखते हुए कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी के जरिए जांचा जाए और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाए। 3 दिन का समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से। जब समय दिया गया तो ईद की वजह से वो समय कहीं ना कहीं प्रशासन काफी चीजों में लिप्त रहा और प्रशासन उस वीडियोग्राफी को नहीं करवा पाया था। इस वजह से ईद के बाद 3 दिनों तक ये सर्वे चला था। इसी बीच में जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से एक याचिका डाली जाती है और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो कोर्ट के कमिश्नर निर्धारित किए गए हैं अजय मिश्रा, इनको इस पूरे मामले से हटाया जाए और क्योंकि ये सही तरीके से जांच नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा था उस याचिका में कि जो मस्जिद का हिस्सा है वहां पर वीडियोग्राफी ना करवाई जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। 2 वकीलों का जो वकालतनामा है उसे भी खारिज कर दिया गया है और कोर्ट की तरफ से ये कहा है कि अजय मिश्रा इस पूरे मामले में जो कमिश्नर है वो बिल्कुल उसी तरह से बने रहेंगे जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें बनाया था। और दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि अजय मिश्रा के साथ साथ कुछ और सहायक लोग भी हैं, सहायक कमिश्नर
कमिश्नर हैं जिसमें विशाल मिश्रा का नाम है, उनको भी जगह दी गई है, वो भी इसमें जांचकर्ता में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिया गया है कि जो मस्जिद का हिस्सा है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जी नितिन, जिस तरह से ये मांग उठ रही है लगातार कि वीडियोग्राफी हो, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब जांच आगे बढ़ाने की बात तो कह दी गई है, लेकिन जो 1947 के बाद मंदिर और मस्जिद है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तो ये वीडियोग्राफी सामने आने के बाद अगर यहाँ पे तथ्य पेश भी हो जाते हैं कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, यहाँ पे एक समय पे मंदिर था, तो क्या कुछ फैसला देखने को मिल सकता है? देखिये, बिल्कुल साफ तौर पर वीडियोग्राफी होने के बाद जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ये तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के वहां पर मूर्तियां हैं, क्योंकि बताया जिस तरह से गया है कि एक समय पर वहां पर मंदिर हुआ करता था, वहां पर ज्योतिर्लिंग है, वहां शिवलिंग है, और उसी को ही कहीं ना कहीं उसको तोड़ फोड़ करके उसके बाद वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो अगर जांच में ये चीजें निकलकर सामने आती हैं कि हिंदू देवी देवताओं के वहां पर जो अंश है वो मौजूद है इस समय भी वीडियोग्राफी के जरिए, तो जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया जाएगा। और जिस तरह से हमने अयोध्या में भी देखा कि अयोध्या राम मंदिर का मामला हो गया, या फिर अब जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से जब फैसला आएगा तो उसके बाद याचिकाओं का जो दौर है वो और शुरू हो जाएगा कि अब इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी हटा करके यहां पर मंदिर का निर्माण कराया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। तो ज्ञानव्यापी केस में कोर्ट ने अपना फैसला रख दिया है और एक और सहायक को इस के लिए नियुक्त कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक लगातार अपने औचक निरीक्षण से सभी को चकित करते नजर आ रहे हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज दोपहर लोहिया संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री को यहां बड़ी अव्यवस्था मिली। स्टोर में करीब 2 लाख की एक्सपायर्ड दवाएं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और जांच के आदेश दिए। बता दें, पूरे मामले की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव GS प्रियदर्शी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपमुख्यमंत्री बृहस्पतिवार सुबह लोहिया संस्थान की OPD में पहुंचे, यहां मरीजों में अव्यवस्था की जानकारी ली और इसके बाद दवा स्टोर पे पहुंचे, जहां स्टोर में पैकेट बंद दवाइयां रखी हुई थी। जांच के दौरान पता लगा कि ये दवाई स्टोर में पड़ी पड़ी एक्सपायरी हो गई है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने संबंधित दवाओं का विवरण तलब किया। पड़ताल के दौरान पता चला कि 2,40,000 से अधिक की दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। इस खबर पर मैं संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से औचक निरीक्षण करते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक नजर आ रहे हैं और आज जिस तरह का सख्त रुख उनका लोहिया संस्थान में देखने को मिला, क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ तौर पर लगातार अलग अलग ज़िलों में जितने भी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जाकर के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया है बीते दिनों में। उसी कड़ी में आज वो लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। लोहिया अस्पताल में उन्होंने जांच पड़ताल की और वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आईं जो कि बहुत चौंकाने वाली हैं। राजधानी लखनऊ का ये बड़ा अस्पताल है लोहिया अस्पताल, यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज़ अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो ये पता चला है कि करीब 2,40,668 ऐसी मेडिकल ड्रग्स हैं जो कि लोहिया संस्थान में रखी हुई हैं और वो एक्सपायरी हो चुकी हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक काफ़ी नाराज होते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर वहां पर जो मरीज आए हुए थे इलाज के लिए उनसे भी जांच पड़ताल की, पूछा कि आपका इलाज सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जब उनके सामने ये एक्सपायरी दवाई का मामला निकलकर सामने आया तो उन्होंने फार्मासिस्ट से लेकर डॉक्टर सबकी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जाँच के लिए पत्र भी लिखूंगा और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये जाँच निकल रिपोर्ट सौंपने की रिपोर्ट मांगी जाएगी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि आखिर इस तरह का मामला क्यों लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये एक्सपायरी दवाइयों का मामला क्या है, क्यों इतने लंबे समय से लोगों को एक्सपायरी दवाई दी जा रही, कब से दी जा रही है, इन सबको लेकर के बृजेश पाठक काफी नाराज दिखाई दिए हैं आज। जी नितिन, कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को दवाइयों की जरूरत होती है लेकिन अस्पताल की लापरवाही से उन्हें मिल नहीं पाती, उन्हें बाहर से दवाइयां लिख दी जाती हैं, तो जिस तरह से आज सख्त रुख अपनाया है, एक्शन लिया है, तो क्या ये बाकी अस्पतालों के लिए भी उदाहरण बनेगा? अब बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक लंबे समय से लगातार बृजेश पाठक अलग अलग ज़िलों में जाकर के दौरे कर रहे हैं, जितने भी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, और कई बार ऐसी जगहों पर वो इस तरह से पहुँचे हैं बिना प्रोटोकॉल के कि लोगों को भी लगा है और अस्पताल प्रशासन को भी लगा है कि एक आम व्यक्ति इलाज कराने के लिए आया है। उसी तरह से आज वो लोहिया अस्पताल भी पहुँचे हुए थे। लोहिया अस्पताल में भी वो एक मरीज़ के तौर पर पहुँचे हुए थे। पहले उन्होंने जायज़ा लिया, उसके बाद वहाँ पर जो मरीज़ मौजूद थे उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जब लोगों
की तरफ से शिकायतें आई कि दवाएं उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रही हैं, तो वो सबसे पहले वहां पर पहुंचे जहां पर दवाइयां लोगों को दी जाती हैं। वहां पर उन्होंने पूछताछ की, जांच पड़ताल की, रजिस्टर चेक किया और उसमें साफ तौर पर इस बात का मामला निकल कर सामने आया कि लोगों को एक्सपायरी दवाई जो है वो दी जा रही है, बड़े पैमाने पर दवाइयां भी नहीं है लोही अस्पताल में। ये सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आई है। फिलहाल ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहा गया है कि हम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराएंगे और आखिर ये कारण क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, इसकी पूरी जांच होनी आवश्यक है, हम इसकी जांच करवाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछे हैं और कोर्ट ने कहा कि क्या आपके किस अधिकार का हनन हुआ है। साथ ही याचिकाकर्ता की याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ताजमहल किसने बनवाया है इसकी जाकर रिसर्च करो और यूनिवर्सिटी जाओ और PhD करो, अगर रिसर्च करने से कोई मना करे तब कोर्ट आओ। तो सख्त रुख अपनाया है कोर्ट ने, जहां याचिकाकर्ता की खारिज को तो नकार ही दिया, साथ ही साथ जमकर फटकार भी लगाई, PhD करने की, जांच करने की, यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने की सलाह दे डाली। तो ताजमहल विवाद पर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा था, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया था, जहां कोर्ट ने अपना रुख साफ कर लिया है। इस खबर पे मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जस्टिस उपाध्याय ने सख्त लहजे में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है, यूनिवर्सिटी जाकर जांच करने की, पढ़ने की, PhD करने की बात कही है, क्या कहेंगे? जी शिखा, आपको बता दें कि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने को लेकर माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका को आज खारिज कर दी गई है। वही आपको बताएं कि याचिका करता जो रजनीश जानेंगे, रजनीश खारिज कर दिया गया। हाँ, अभी पता चला है हमारे वकील के माध्यम से कि मेरी याचिका को खारिज कर दिया गया है और मैं अब जो जजमेंट हुआ है माननीय न्यायालय का उसको पढ़ेंगे, उसमें जो भी चीजें अगर उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया होगा कि हमें वो करना चाहिए तो हम करेंगे, नहीं तो उसको आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, ये बताया हमें कि आज इस याचिका को दायर करने से पहले क्या आप इस पे गहन अध्ययन किए थे या ऐसे कुछ तथ्य जिसके बाद आप याचिका दायर किए थे? मैं इस पे 2019 से रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ जो याचिका खारिज हुई है मेरी। मैं तो सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए माननीय न्यायालय की शरण में आया था, और क्योंकि आप अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं उन ताजमहल पे, उनके 22 कमरे पे, कोई इसको हिंदू मंदिर बताता है तो कोई इसको तेजो महल्ले बताता है, सबके अलग अलग अपने अपने दावे हैं, तो उन्हीं दावे और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं कोर्ट आया था। अच्छा, किन किन जगहों पे आप PIL डाल चुके हैं या राइट टू इंफॉर्मेशन RTI दायर कर चुके हैं? मेरी पहली PIL थी, मैं कहीं और PIL नहीं डायल किया हूँ, मैंने RTI जरूर लगाई थी, RTI पे मैंने मांगा था, तो वहाँ पे भी हमको कंफ्यूजन ही। किन किन जगहों पे? मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पत्र लिखा, ASI को पत्र लिखा, सबको पत्र लिखते रहा, लेकिन संतोषपूर्ण जवाब जब नहीं मिला तो मैं माननीय न्यायालय के शरण में आ गया था। मुझे लगा कि यहाँ से मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने कुछ कहा नहीं था, मैंने सिर्फ इतना कहा था, ना मैंने उसको ताजमहल कहा था, ना मैंने उसको तेजो महल्ले कहा था। फैक्ट फाइंडिंग जो भी था, मैंने सिर्फ इतने कहा था कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दीजिए ताकि जो सच है वो बाहर आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ताजमहल को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं और विवाद के जड़ वही 22 कमरे ही रहे हैं, तो 22 कमरे मुझे लगता है एक बार खुल जाएंगे तो सारा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जी, तो शिखा, आपने सुना याचिकाकर्ता को, जिसमें साफ तौर पर आपको बताया कि उनका कहना है कि जो आम दिनों में आए दिन विवाद होते रहते हैं जिसको लेकर उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, वहीं आपको बताया कि माननीय हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा कहा गया है कि ये जुडिशियल मामला नहीं बल्कि डिबेटियल मामला है। वहीं इसी क्रम में हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं जो उस टीम का हिस्सा थे। सर, हमें ये बताएं कि अंदर क्या चर्चाएं हुई और क्या बातें आज कल की आई? देखिए, डिबेट वहाँ ऑनरेबल हाईकोर्ट में कोर्ट रूम में ऑनरेबल जस्टिस DK उपाध्याय, जो कि बहुत ही संविधानविद हैं और बहुत ही ज्ञानी जज हैं, उनके द्वारा जो ये वर्डिक्ट दिया गया और जो क्वेश्चंस अराइज किए गए और उसका आंसर जो है डिबेट, ये याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतुष्ट नहीं कर पाए कोर्ट को, और उसमें ये है कि ये ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना कि ये मैटर जो है ये धार्मिक हो सकता है, ये मैटर जो है क्रिमिनल हो सकता है, ये मैटर राजनीतिक हो सकता है, बट ये मैटर जुडिशियल नहीं है।
ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती, इस वजह से उन्होंने इस मैटर को खारिज किया और ये उचित फोरम नहीं है यहाँ याचिकाकर्ता को आने का ये। और इस वर्डिक्ट का, आज के ऐतिहासिक जजमेंट का, लखनऊ बेंच की, जिस पर कि आज देश और दुनिया की सारी निगाहें टिकी हुई थी, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और ये मैटर जुडिशरी में आने का है ही नहीं, ये माननीय कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जुडिशियल मामला नहीं बल्कि डिबेट का मामला है। वहीं कहा यह गया कि आप चाय पे आए, इस पर हम डिबेट करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये उन्होंने जो कहा कि ये डिबेट का मैटर है, डिबेट तो हम लोग डेली शाम को देखते हैं, दिन भर देखते हैं टीवी पर क्या होता है डिबेट में, ये उन्होंने इस मैटर पे कमेंट किया है, डिबेट का मैटर होने का उन्होंने कमेंट किया है ऑनरेबल कोर्ट ने। और ये वाकई डिबेट का मैटर है जो दिन भर रात भर टीवी पर आया करता है, ये जुडिशियल मैटर नहीं है, ये उचित फोरम नहीं है कि जुडिशरी में जो चाहे वो चलाए, ये खोल दीजिए वो खोल दीजिए, ताजमहल इज़ द सरप्राइज ऑफ वर्ल्ड, और इसको सभी कमरों को खोलने का आदेश करना है। विभांशु, हम ये भी जानना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता और उनके वकील, क्या दोनों में से किसी को अभी भी उम्मीद बाकी है, क्या वो इस मामले में एक बार फिर से याचिका डालेंगे? जी बेशक शिखा, जहां तक हमें जानकारी मिली याचिकाकर्ता की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो हाईकोर्ट से याचिका का रद्द होने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहेंगे कि आखिर उस 22 कमरों में क्या है। आपको बताएं शिखा कि आज के जो दो दौर के वो चली, दो दौर की जो सुनवाई चली, उसमें साफ तौर में आपने देखा कि जो माननीय हाईकोर्ट के जज थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये डिबेटियल मुद्दा है ना कि जुडिशियल, और उनकी तरफ से कहा गया कि आप इतिहास के पन्नों को खंगाले और ताजमहल किसने बनवाया इसका जो फैसला है वो कोर्ट नहीं करेगा बल्कि इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा तो वहां से निकलेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकती हैं शिखा कि जो याचिकाकर्ता है वो 22 कमरों को खुलवाने पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से जानकारी लेंगे। उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से लेकर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हर एक जो भी संबंधित विभाग होते हैं उनकी तरफ से जानकारी मांगी गई मगर जानकारी नहीं मिली। जी सका जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कह रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में एक्शन में नजर आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं सीएम, जहां लखनऊ में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मीटिंग की है। वहीं इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय के अफसर बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम शाम 6:30 बजे एक और मीटिंग करेंगे जिसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में चर्चा होगी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंगें करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ और आज शाम भी सड़क सुरक्षा के संबंध में चर्चा होगी। हर एक मुद्दे को नजर बनाए रखते हैं और साथ ही साथ अपने मंत्रियों से चर्चा करते हुए एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि कैसे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके, साथ ही साथ चीजों को और बेहतर किया जा सके। सड़क सुरक्षा को लेकर भी आज चर्चा होनी है क्योंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह भी अभी कुछ समय पहले मनाया गया और लगातार लोगों को जागरूक किया गया, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर जागरूक किया गया, उनको कम करने की लगातार कोशिश जारी है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए आज सुबह की, तो आज सुबह भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक बैठक किया, आवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े कई बड़े नेता अधिकारी भी मौजूद रहे, उनसे चर्चा करी। और वहीं अब सड़क सुरक्षा को लेकर आज शाम 6:30 बजे चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वो चाहे जल शक्ति मंत्रालय पर नजर रखनी हो या फिर सड़क दुर्घटनाओं पर, हर एक विभाग पर अपनी नजर बनाए हुए सीएम योगी और हर एक विभाग के साथ साथ हर एक छोटी बड़ी प्रदेश की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हैं, हर एक चीज को बेहतर करने में अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने मंत्रियों के साथ लगातार सलाह मशवरा करते बैठकों का दौर लगातार देखने को मिलता है और सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं अधिकारियों को,
और इसी कड़ी में आज एक बार फिर बैठक हुई, जहां जल शक्ति मंत्रालय के बड़े नेता और मंत्री गजेंद्र शेखावत भी बैठक में मौजूद रहे। और आज शाम भी एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में चर्चा होगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।